पाँचवीं साल चल रही है जी, ये रिश्ते में लड़की ही है। मारपीट के गर्भावस्था में इसे भगाया, उस टाइम में बीमार थी ये, यहाँ इसका इलाज करवाया हमने, इसे बचा लिया जैसे बचाया। उसके बाद में जब से यहीं रह रही है, उसके बाद में इसने एक बच्ची को जन्म दिया जो वो भी यहीं हुआ, और इसका पालन पोषण जो भी है जैसा भी है, रूखी सूखी हम खा रहे हैं ऐसी ये खा रही है, ये जब से यहीं है। अब जब इन्हें ये पता पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ये पहुँच गए लोग, तो ये 23 को हम गए वहाँ पर, 24 को वो शाम को 9 और 9:30 के बीच में आ गए यहाँ पर। बोला लड़की को अलग बुला के, वो ऐसा है मैं तुझे अपने साथ रख लूँगा, मेरे मुँह बोले बाप के साथ तू ये हलाला कर। तो हमारे घर में सभी लौंडे भी, ये मैं भी आया, तो गुस्सा आया हमें, मगर हम चुप नहीं लगा। मैंने हो सके पीछे से कोई दिक्कत ये है जी, ये तलाक और ये हलाला ये ख़त्म होना चाहिए, और इसके बाद में जो हमारी और भी बहनें हैं, चलो ये तो बेटी है मेरी, और भी बहनें हैं, बेटियाँ हैं और सिकंदराबाद में और हिंदुस्तान में, उनको भी इंसाफ मिले और उनके साथ सब कुछ उनकी मदद हो हर तरीके से। तो आपकी लड़ाई जारी रखेंगे? जारी रखेंगे जी लड़ाई, जो भी होगा देखा जाएगा सर। जाना को बहुत ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी और रीति, बहुत सारे पुराने रीति रिवाजों को मानने वाला है। मुस्लिम समाज जो हमारा है वो बिल्कुल आगे आने, इन रूढ़िवादी सड़ी गली व्यवस्थाओं के खिलाफ आगे आकर के आवाज़ उठाने की स्थिति में नहीं है। मुस्लिम समाज की जो आज स्थिति हो गई है, उसको कोई रहबर उसका कोई नहीं रह गया है। अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह के 3 तलाक से पीड़ित, और उसको हलाला की मुंह बोले पिता से जो धमकियाँ दी जा रही हैं, उससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और उसको सलाम करने के लिए आए हैं कि कम से कम मुस्लिम समाज के अंदर एक ऐसी हमारी एक महिला ने हौसला किया है कि उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 3 तलाक, बहुविवाह और हलाला जैसी जो हमारा सड़ी गली व्यवस्था है, उसके खिलाफ़ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के रिट दायर किए। ऐसी बहन को सलाम करने के लिए सिकंदराबाद कस्बे में आना हुआ है। लेकिन मैं फिर बारंबार बधाई देता हूं ऐसी फरजाना बहन को कि उसने अपनी और जो बहुत सारी बहनों की आवाज़ को उसने इस घर से बाहर निकालने का काम किया है।